राज्य सरकार द्वारा 30 अप्रैल तक लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ शहर में विरोध के स्वर फूट रहे। व्यापारी इससे बेहद नाराज है, वे खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मंगलवार को जरीपट का दुकानदार संघ ने जिलाधिकारी को लॉकडाउन में व्यापारियों को रियायतें मिले ऐसी मांग करते हुए निवेदन सौंपा। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के संदर्भ में कारोबारियों का कहना है कि एक साल से व्यापार चौपट है। कोविड से लड़ने की बजाय शासन प्रशासन अब व्यापारियों से लड़ रहा है। व्यापारी और उनके स्टाफ बेरोजगार हो रहे हैं। सोमवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन पी की वीडियो संदेश जारी होने के बाद मंगलवार सुबह से ही शहर में तनाव दिख रहा है। इतवारी जरीपट का कमाल चौक जैसे बाजारों में व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर नाराजगी जाहिर की है। जरीपट का दुकानदार संघ के सचिव दौलत कुंगवानी ने इस दौरान कहा कि हमारा शासन प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन में हमें थोड़ी शिथिलता दी जाए। दौलत कुंगवानी जरीपट का दुकानदार संघ का सेक्रेटरी आज जिलाधिकारी को निवेदन दे रहे हैं, हमारा शासन प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक निवेदन दे रहे हैं कि शासन ने जो निर्णय लगाया है जीवन आवश्यक वस्तुओं के छोड़कर अन्य सभी व्यवसाय बंद, इससे व्यापारियों में बेरोजगारी और तथा भूखमरी उनके कारण आक्रोश उत्पन्न हो गया है। ये स्थिति और न बिगड़े और हम लॉकडाउन में शिथिलता की मांग करते कि 5-6 घंटे का समय देके अन्य व्यापार को भी शुरू करने की परमिशन सादर दी जाए, अनुमति दी जाए, और यही हमारी निवेदन प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। मेरा नाम दौलत कुंगवानी, मैं सेक्रेटरी जरीपट का दुकानदार हूं। इस संदर्भ में आरोग्य सभापति विक्की कुकरेचा का कहना था कि शहर के सभी व्यापारी इस लॉकडाउन का विरोध करते हैं। उनका कहना था कि व्यापारियों को भी शहर में कोरोना को नहीं बढ़ने देना है, लेकिन सरकार जिस तरीके से निर्णय ले रही है उसका हम पूरी तरीके से निषेध करते हैं। आज 6 अप्रैल को जैसे कि राज्य शासन ने गाइडलाइंस निकाली थी और उसके ऊपर में नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर शहर को और पूरे महाराष्ट्र को बंद करने का आदेश निकाला, पूरे नागपुर शहर में व्यापारियों का इसका विरोध है। नागपुर शहर के व्यापारी पहले ही कोरोना के पिछले 1.25 साल के लॉकडाउन से कभी बंद कभी चालू से अड़चन में है, और इस तरीके का तुगलकी निर्णय व्यापारियों को ध्यान में न रखते हुए यह लिया हुआ निर्णय, पूरे नागपुर शहर के व्यापारी इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। और हम राज्य शासन से और नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन से, विशेष रूप से महानगर पालिका के आयुक्त से निवेदन करते हैं, कोरोना की लड़ाई नागपुर का हर व्यापारी लड़ना चाहता है, कोरोना न बढ़ना चाहिए, इसके लिए नागपुर का हर व्यापारी चिंतित है, लेकिन व्यापारियों को इग्नोर करते हुए जो निर्णय ये सरकार ले रही है इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं, और महानगर पालिका के प्रशासन और राज्य शासन को, विशेष रूप से मुख्यमंत्री को सीधा और स्पष्ट एक आह्वान करना चाहते हैं, व्यापारी की कठिनाई को न समझते हुए व्यापारी के विरोध में अगर इस तरीके का निर्णय होगा तो व्यापारी रास्ते पर उतरेगा, व्यापारी इसका विरोध करेगा, या तो हमारे व्यापारी उनकी ईएमआई की पेमेंट सरकार करे, हमारे काम करने वाले जो हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय बैठे उनका खान पान का उनका जो राशन है उसका इंतजाम करे, नहीं तो निर्णय ऐसा लेवे कि व्यापारियों का भी काम हो जाए और कोरोना की लड़ाई भी लड़े। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस संदर्भ में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।